नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक पांडे बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल फ्री लीगल एडवाइस में। और आज हम लोग बात करेंगे लीगल हायर सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों, लीगल हायर सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो ज़रूरत पड़ता है तभी जब किसी डिसीज पर्सन का डेथ हो जाए, अनफॉर्चुनेट अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाए, और इस डेथ होने के बाद में जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लीगल हायर सर्टिफिकेट के बारे में क्लेम करते हैं, लीगल हायर सर्टिफिकेट बनाते हैं। इसके लिए जो रिलेशनशिप है डिसीज्ड के साथ में होना ज़रूरी है। डिसीज्ड इट मीन्स जो पर्सन मृत है, जो मर गया है, जो अभी है नहीं, जो ख़त्म हो गया अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी डेथ हो गई है, तो उसको हम लोग डिसीज्ड पर्सन बोलते हैं। नाउ ये पेंशन से रिलेटेड या प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड या ग्रेजुटी से रिलेटेड या सर्विस बेनिफिट या कुछ और बेनिफिट से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस करने वाले लोगों का बनता है। सपोज डैट मैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जॉब में था और मेरी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है, तो मेरे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको लीगल हायर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने कोई अपना नॉमिनी नहीं बनाया है, मैंने किसी को अपना नॉमिनी नहीं बनाया है। नॉमिनी नहीं बनाया, इस वजह से ये जो लीगल हायर सर्टिफिकेट है कई जगह पे कई तरीके से काम आएगा। जैसा मैंने आपको बताया, प्रोविडेंट फंड के लिए, ग्रेजुटी के लिए, सर्विस बेनिफिट के लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी और भी डिपार्टमेंट में अगर कोई कंसर्न स्कीम्स वगैरह हैं या कुछ और भी लेना देना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको लीगल हायर सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। दोस्तों, मैंने आपको इसके पहले ही बताया, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि लीगल नॉमिनी जहाँ पे डिसीज पर्सन, सपोज डेट मेरी डेथ हो गई, मैंने किसी को लीगल नॉमिनी नहीं बनाया, उस जगह पे ज़रूरत पड़ती है। तो बैंक या प्राइवेट कंपनी, सपोज डेट बैंक में आपके कुछ अकाउंट्स हैं और बैंक में कुछ पैसा रखा हुआ है, लाइक 10 लाख रुपीज़ आपका पेंडिंग है, वो पैसा तब तक बैंक किसी और को नहीं देगा जब तक आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है बैंक को लीगल हायर सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर देता। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सक्सेशन सर्टिफिकेट की नहीं, लीगल हायर सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीगल हायर सर्टिफिकेट कौन बना सकता है, किसका बन सकता है, वो मैंने आपको बता दिया। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो जॉब कर रहा था, अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई, उसके लिए लीगल हायर सर्टिफिकेट बनेगा। कौन बना सकता है उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले स्पाउस ऑफ द डिसीज पर्सन, इट मीन्स अगर मेरी डेथ हो जाती है, मेरी वाइफ मेरे लिए मेरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और मेरे लिए वो लीगल हायर सर्टिफिकेट बना करके जो मैंने ऊपर बताया वो सारे क्लेम कर सकती है। मेरा बेटा कर सकता है, मेरा सन कर सकता है, मेरी बेटी अगर है तो बेटी कर सकती है, या मेरी मदर कर सकती है, या फादर कर सकते हैं। तो कौन कौन लीगल हायर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, या कि मेरी बीवी, मेरी वाइफ, मेरे स्पाउस, या कि मेरा बेटा, या कि मेरी बेटी, या कि मेरी माँ, या कि मेरे पिताजी। तो इनको राइट है लीगल हायर सर्टिफिकेट बनाने का। दोस्तों, प्रोसीजर भी काफ़ी इजी है। प्रोसीजर में अगर हम लोग आएंगे तो कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही आसान प्रोसीजर है। जो रिवेन्यू ऑफिसर होता है, रिवेन्यू ऑफिसर आपको किसी भी कलेक्टर, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस है वहाँ पे मिल जाएगा। रिवेन्यू ऑफिसर में जैसे तहसीलदार है, तो आप तहसीलदार ऑफिस में जाइए, तहसीलदार ऑफिस में जो क्लर्क होगा, क्लर्क से एक आप फॉर्म लीजिए, उस फॉर्म में आप जो भी डिटेल हैं प्रॉपर सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन कीजिए, और सारी डिटेल्स को मेंशन करने के बाद आपको आपका जिसका भी आप लीगल हायर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो, अपने डिसीज पर्सन का बनाना चाहते हो, सपोज डेट आपका फादर है या कोई और है, आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगा। डेथ सर्टिफिकेट निकालिए, डेथ सर्टिफिकेट को भी साथ में लगाइए, और उसके साथ में जो भी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, ज़रूरी कागजात लगने वाले हैं, उन कागजात को आप साथ में उस फॉर्म को जो आपने रेवेन्यू ऑफिस से लिया है, तहसीलदार ऑफिस से, क्लर्क से लिया है, उस फॉर्म को भर करके ये सारे रिक्वायर्ड जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भरिए। लगाने के बाद में डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दीजिए तहसीलदार ऑफिस में। उसके बाद में जो तहसीलदार ऑफिस है या रेवेन्यू ऑफिस है, वहाँ से एक इंक्वायरी कंडक्ट होती है। ये इंक्वायरी में वो फाइंड आउट करते हैं कि डेथ कब हुई, जो कंसर्न पर्सन है या डिसीज्ड पर्सन है उसकी डेथ कब हुई, और भी सारी जो भी उनको डिटेल या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जो टाइम पीरियड है 30 दिन से लेकर के 90 दिन का समय लगता है एक लीगल हायर सर्टिफिकेट बनाने के लिए। अगर जो अथॉरिटी मैंने आपको बताई, लाइक तहसीलदार या कोई दूसरा अगर इंचार्ज रेवेन्यू ऑफिसर है, अगर उन्होंने 30 से 90 दिन के अंदर आपको लीगल हायर सर्टिफिकेट नहीं इशू किया, तो आप कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर को कंप्लेन कर सकते हो या केस फाइल कर सकते हो।
दोस्तों इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अगर उसकी हम लोग बात करें, तो सबसे पहले सपोज डेट मेरी डेथ हो गई तो मेरे बेटे को एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा या एक एफिडेविट नोटराइज करके सबमिट करना पड़ेगा, जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है उसमें से पहला डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग या नोटरी एफिडेविट डॉक्यूमेंट। दूसरा लेटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो ये शो करे कि जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया मेरी डेथ हो गई है, तो मेरे लिए मेरा जो गवर्नमेंट जिस भी जगह पे मैं काम करता हूँ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में, वो मुझे आपको एक सर्टिफिकेट, मैं तो हूँ नहीं अभी एज ऑब्वियस, तो आपको एक एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय कंसर्न सर्टिफिकेट देंगे जिसमें वो मेंशन करेंगे कि इस कंसर्न पर्सन की डेथ हो गई है और ये हमारे इस डिपार्टमेंट में, इस कंसर्न डिपार्टमेंट में इस डिजिग्नेशन पे काम करते थे। तो एक लेटर आपको चाहिए होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, एम्प्लॉय का लेटर, इट मींस सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जिसमें भी वो काम करता है। तीसरा डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, अगर मेरा बेटा एप्लीकेशन कर रहा है या आप एप्लीकेशन कर रहे हो किसी और के बिहाफ में, तो आपका आइडेंटिटी और रेसिडेंशियल प्रूफ भी लगेगा। चौथा डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, मेरा बेटा अगर मेरे लिए लीगल हायर सर्टिफिकेट ऑप्टेन करने की कोशिश कर रहा है तो उसको मेरा डेथ सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। नाउ मेरा रेसिडेंशियल प्रूफ भी मेरे बेटे को मेंशन करना पड़ेगा जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले अंडरटेकिंग या एफिडेविट नोटराइज्ड होना चाहिए, दूसरा लेटर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय लेटर, तीसरा आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, आप एप्लीकेंट हो या मैं एप्लीकेंट हूँ या जो भी एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट का आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ, डेथ सर्टिफिकेट जो भी डिसीज पर्सन है उसका डेथ सर्टिफिकेट, और रेसिडेंशियल प्रूफ जो डिसीज पर्सन जो खत्म हो गया, जो मर गया। तो दोस्तों मैंने आपको लीगल सर्टिफिकेट, लीगल हायर सर्टिफिकेट के बारे में बताया, कई जगह पे प्रोविजन है और उस प्रोविजन के हिसाब से पंचायत जो होती हैं, पंचायत से भी लीगल हायर सर्टिफिकेट ऑप्टेन किया जा सकता है। आपके कोई सुझाव, आपके कोई सवाल बेसब्री से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, आपके सवालों का जवाब देने की निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा। अशोक पांडे आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ।